तेरा शान आले है या खुदा, तो रहीम है अर तो करीम है, तेरा हुक्म से हमारा हज हुआ, तो रहीम है अर तो करीम है। कोई शाह हो या अमीर हो या कोई बेनवा ये फकीर हो, तेरा दाता सबको है आसरा, तो रहीम है अर तो करीम है। तस्लीम कर खोलो सबा, तस्लीम कर खोलो सबा, रेडियो सुनना से अपना दोस्त, अगर खता कोई मुझसे हो तो माफ करना दोस्त। ऐ यसरी कान महफिल सुन ले पैगाम मेरा, हो दोस्त चाहे दुश्मन सबको सलाम।
जब कोई प्रोग्राम
जारी करते हैं, पहले भी आपसे बता देते हैं, तो इस वक्त भी हारमोनियम के जरिए से भी आप कासिम उस्ताद खुद हारमोनियम पेश करते हैं। थंताल खास करके भी हमारे उस्ताद बिसुर हीरा एंड तांबुरेन, क्या तांबुरेन ना, तांबुरेन पर खास करके अश्विन जवाहिर, ठीक है। और जो लोग बस एक जैसे लोग कहते हैं म्यूजिक कैदर, यहाँ जो लोग जानते हैं कि साज संगीत के बारे में लोग जानते हैं, तो सिर्फ सुना है कि किस तरह से ढोल बजता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ढोल पर है मैस्ट्रो हमारे खास करके उस्तादों का उस्ताद यहाँ रकीब वाक हुसैन भी ढोल पर है। एंड ये झलक तो पहला ही लम्हा में आपने सुन चुके हैं। तो चलिए जरा बात न करते हुए हम अभी उस्ताद से और बात करेंगे, क्योंकि मक्का मदीना में भी काफी बात हुए हैं, काफी चीजें हैं जो भी अभी आपसे बात करेंगे, और भी जनता को भी जरूर ये तमाम बातें जानना है। तो चलिए वंस अगेन हमारे उस्ताद शहंशाह इकबाल उस्ताद बूदी वंस अगेन। देखा दिया या इलाही वो मदीना कैसे बसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरे रहने बरसती है। देखा दिया इलाही वो मदीना कैसे बसती है, जहां शाहंशाह के ये दरबार आता है। पढ़ो सल्ले यला सल्ले यला सहे अबरार आता है। अदब के जे मसारे मगर पूरा मसा के दीद के अरमान कर देना। दये यकदस में जाते ही निछावर जान कर देना। ये मौका जिंदगानी में हो जाए वो तहरीर क्या हो।
करोगे। जमाना तन है हरा के वो तस्वीर क्या होगी मुसव्विर को हमें
Ha ha ha.
क्या बात है, एक जोरदार ताली हो जाए वंस अगेन मास्टर और उस्ताद के लिए। ऐसे प्रोग्राम बेशक आपके लिए होते हैं, क्या स्पेशली आपके लिए ये प्रोग्राम होते हैं, कहीं आपके सब में शनिवार हुई है या होने वाले इस वक्त तक हो रहे हैं, तो जरूर भी काफी प्यार खुशी भी मुबारकबादी भी आपको पेश की जाती है। बेशक भी जो लोग बीमार है लाचार है, तंदुरुस्ती के लिए जरूर दुआ और प्रार्थना की जाती है। ये खास करके वेस्टइंडीज कलाकारों के मिलन होते हैं, और इस खास इस प्रोग्राम में भी खास खास उस्ताद है, खास खास कलाकार है जो आपसे एक के बाद एक मिलते हैं। हमने कहा एक प्रोग्राम जो आपके पेश होते हैं सनराइज, यहाँ सनराइज रेडियो पंडित पवन तिवारी का नंबर जी तो से ये प्रोग्राम आपके पेश होते हैं। जो लोग स्पेशली फेसबुक के जरिए से प्रोग्राम देखते हैं तो वहां पर भी अपने रिएक्शन देते हैं, यहाँ और मुझे तमाम रिएक्शन तो भी मिलते हैं, तो जरूर थैंक यू वेरी मच। और जो लोग भी इस वक्त स्टूडियो पर भी या स्टूडियो ऐप पर भी भाग लेते हैं, पर लोग भी ऐप करते हैं, ऐप पर भी भाग लेते हैं, उन लोग भी खबर मुझे मिलते हैं। तो चलिए जब आप ये प्रोग्राम सुनते ना, तो खास कर ये प्रोग्राम जिसे हमने कहा है तो स्पेशली आपके लिए पेश होते हैं आज, क्योंकि खास कर हमारे उस्ताद, हमारे उस्ताद पूरी वाद हुसैन जो भी कही है मक्का गए थे यहाँ हज करने के लिए, एंड जो बस उसका जो ख्वाहिश है जो हज हुए वो पूरा हुआ है, तो बस उस्ताद बस अच्छी तरह से भी लौट कर आए हैं सलमान देश में, तो जरूर वो खास करके इसके लिए ये प्रोग्राम जो होते हैं सनराइज रेडियो के जरिए से एलएफओ भी ये प्रोग्राम जो आपके लिए पेश होते हैं। तो चलिए जब आप तैयार है ना, हम तैयार है, तो देखते हैं हमारे और खास उस्ताद तैयार है, उस्ताद बिजुल हीरा तैयार है आपसे मिलने के लिए, तो मिलकर सुनते हैं उस्ताद बिजुल हीरा, एक ताली हो जाए। भेजने की करे तो क्या डरे और करके क्या पछताए, पेड़ बोए बबूल के तो आम कहां से पाए, औसत राम कहो रहीम कहो सब है एक विधाता, यह संसार में कुछ कर लो बच्चे यहाँ ये पिलाता एक जाता, वाह वाह। अरे अब की तेरे अब की तेरे अब की तेरे सुनो गिर भाई,
Thank you.
प्रोग्राम जो आपके पेश होता है ऐसे ये प्रोग्राम खास करके कहीं हमारे श्रद्धाम देश हॉलैंड देश वेस्टइंडीज कलाकारों के मिले थे जिसमें खास कर कलाकार आपसे मिलते हैं। जिस तरह से आपको पता है ना ये प्रोग्राम आज में खास कर कलाकार है जिस तरह से बताए शुरुआत में स्पेशल नंबर उसका पूरी और हुसैन के खास प्रोग्राम के उनके लिए खास प्रोग्राम पेश होता है। इस प्रोग्राम में भी भाग लेते हैं आज कहे उस्ताद बिशु हीरा उस्ताद हरि कुशल यहाँ खलाइट है यहाँ साउंड जो बस ये आवाज अच्छी तरह से आप सुनते हैं ना तो है खास करके फैजल अली वे तमाम खलाइट के बारे में ये बस आज सब तैयारी करते हैं। एंड वैसे भी म्यूजिकांत है जैसे अश्विन जवाहिर और विनोद सिद्धू एंड भी खास करके भी करण फगेलो है म्यूजिक ढोल पर हड़ताल पर तबूरेन पर एंड बदले भी हमारे खास बड़े भाई रकी फगु सैन भी कहिए ढोल पर ये अपने एक के बाद एक कुछ अच्छे अच्छे छोड़ते हैं जिसे लोग कहते हैं ना पैसे घर में एक अच्छा छोड़ दिया है तो खास करके पूछ दिया कहीं रकीब भी अच्छी तरह से कुछ ना कुछ सुनाए हैं। तो चलिए ये खास प्रोग्राम कहीं सनराइज के जरिए पेश होता है या एंड जिस तरह से हमने बताया ना कि ना सिर्फ ढोल पर या ना सिर्फ ढोल पर मगर भी एक अच्छा सागर भी है या तो चलिए मिलकर सुनते हैं या कि जो लोग ढोल बजाते हैं तो लोग भी हारमोनिया बजा सकते हैं और जो लोग हारमोनिया भी बजा सकते हैं तो लोग भी गा सकते हैं ठीक है। तो चलिए हमारे खास बड़े भाई रकी फगुसैन भी इस वक्त तैयार है आपको कुछ गा सुनाने के लिए आबरू पानी न कर हौसले से ये काम लेना नजरे तू
वाले के भरोसे पर सभी ना छोड़ वाले के भरोसे पर सभी ना जिंदगी वाले है तेरी खूबसूरत जिंदगी मुझको जीने का न हो वो जिंदगी किस काम की जिंदगी के शान रख ले आन से दुनिया में जी पीने का तरीका बिना छोड़ पीने का तरीका बिना छोड़ बिना छोड़ रकीब वाज हुसैन से भी आपने सुने हैं एंड एक बाकी बेबी शाह कहिए हसीन एक बार कह रहा क्या काफी बारिश होते हैं सर नाम देश में एंड इस बारिश का भी लोग घर पर भी मजा लेते हैं और यहाँ पर भी कहा सके ये बारिश जो का मजा आप सब लेते हैं खास खास कलाकारों से तो चलिए वो रकीब तैयार है एंड उसके बाद फिर आपसे कुछ और खास खास बात है जो आपको बताना है चलिए वो रकीब Oh.
जवाब नहीं। हम क्या कहें इसके बारे में, हम तो और कुछ कह नहीं सकते हैं। आप तो बस भी हैं, आप जानते हैं कि ये है कलाकारों के कलाकारों का मिलन कहिए, जिसमें भी खास करके जो हम अच्छे अच्छे कलाकार एक के बाद आपसे मिलते हैं। तो बस ये प्रोग्राम जो आपके लिए होते हैं ना, तो हमने कहा ना खास कर प्रोग्राम जो होते हैं स्पेशली हमारे उस्ताद पूती बाग हुसैन जनाब, जो खास करके हज किए हैं, जहाँ हज से लौटे हैं, मक्का मदीना से लौटे हैं, बस जो अपने जो अरमान थे, अपने जो ख्वाहिश थे, जहाँ जो आरजू थे हर एक मुसलमान का, वो बस पूरा करके आए हैं। तो जरूर हम जहाँ हम उस्ताद को कुछ और नखमे पेश करने से पहले हम सर उस्ताद से पूछे कि ये ख्वाहिश जो है, ये तमन्ना जो था, तो काफी लोग कहते हैं कि मक्का जाना ये आसान नहीं है, मुश्किल है, ये है वो है, जरा आप जरा बताइए खुद उस्ताद जी की किस तरह से है, मुश्किल है, आसान है, और क्या क्या किस तरह से हुआ है मक्का मदीना। सुनने वालों सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू, सबको सलाम करती हूँ। मैंने तो हज पर जरूर गया हूँ, हज पर जाना हम लोगों के मजहब में फ़र्ज है। अगर ये अल्लाह ताला ने जो तुमको दौलत दिया है तो फ़र्ज है हज करना, अगर दौलत नहीं है तो कुमन कोई बात भी नहीं करना है। तो मैं जो कुछ हमारे पास रहा अपना फ़र्ज अदा किया हूँ, और वहाँ पर जा कर के बहुत से चीज़ सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह वहाँ पर नज़र आते थे। वहाँ पर हर एक से मक्का मदीना, यहाँ पर जो मस्जिद मैंने देखा हूँ, बहुत बड़े बड़े मस्जिद वहाँ पर है, और आलम जहाँ तक नज़र पहुँचे था वहाँ तक ये आलम ही आलम देखता रहा था मुझे। तो वहाँ के हालत क्या आप लोग से बयान करूँ, सिर्फ यही है कि जो मुझको फ़र्ज करना था वो अपना फ़र्ज अदा कर लिया, और इस उम्र में एक कम दी 90 बरस की उम्र हमारा है, इस उम्र में 11 कम दी 100, तो इस उम्र में मैंने हज को अदा कर लिया हूँ। अगर हज करने में मुझसे कुछ गलतियाँ या भूल हुआ होगा तो अल्लाह से गुजारिश करना, अल्लाह ताला हमारा हज को कुछ गलतियाँ हुआ हो तो माफ़ कर दे इंशाल्लाह। फिर अब तो वो ताकत नहीं है कि दोबारा हज कर सकूँ, लेकिन एक बार फ़र्ज है मैंने हज करके अदा कर चुका हूँ, और यहाँ से अपना प्रोग्राम आप लोग के भाई साहब के हम दे रहा हूँ। अच्छा, तो ज़रूर बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद की, थोड़ा आपने ये मक्का के बाद हम लोग से बस बता दिया। चलिए तो फिर कुछ और हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि शहनशाही कव्वाल कव्वाली का बादशाह हाजी साहब उस्ताद पूती बाग हुसैन जब भी महफिल में आते हैं ना तो छा जाते हैं। तो चलिए वंस अगेन हमारे उस्ताद पूती बाग हुसैन कौन साहब।
तुझे सजदा ही करना है जहाँ चाहे वहाँ।
क्या ऐप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से सिर्फ माशाल्लाह हुआ हुआ उस्ताद ये बातें होते रहते हैं, मगर खास करके उस्ताद के साथ साथ भी और से वह वह आते हैं, खास करके ढोल मान के लिए जहाँ रकीब के लिए भी वह वह के पहाड़ भी आते हैं फेसबुक के जरिए से, ऐप के जरिए से। तो जरूर भी एक खास उसाय जो भी आए हैं कहा कि एक खास करके एक सुनने वाले जो है वो कहा कि एक झलक जहाँ सिर्फ रकीब का वो सुनना चाहते हैं, तो जरूर अभी गुजारिश करेंगे कि एक झलक जहाँ उस्ताद रकीब का भी हो जाएगा, जहाँ एक झलक तो वो भी खास करके जो गुजारिश हुए हैं उनका भी मांग पूरा हो जाएगा। उस्ताद अगर तैयार है तो वंस अगेन खास करके हाजी साहब एक और बेमिसाल नगमा आपके लिए पेश करेंगे ये खास प्रोग्राम में एट सनराइज, कहिए सनराइज सऊदी इवनिंग प्रोग्राम। उस्ताद
नमस्कार। कौन कह सकता है कि अभी 11 कम 100 है? कौन ये बात कह सकते हैं? अभी तक हमारे योग टाइगर, हमारे शहनशाही कपाल उस ताज पूती वंश से हो सके एक जोरदार ताले हो जाए और आप इस वक्त घर पर बैठे हैं आप ही ताले हो जाए क्योंकि हमारे साथ ही योग टाइगर से भी आपने लुत्फ उठाए हैं। ये प्रोग्राम ये सरप्राइज वीडियो के जरिए जो पेश होता है, क्या आप तो जानते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ खास और रोबे जो तैयार करके रखते हैं आप तमाम जनताओं के लिए, क्या? और ये प्रोग्राम बेशक पेश होते हैं सनराइज एफएम पर श्रीनाम ली फॉर दो हॉरिस्ट इन एफएम के जरिए से ये प्रोग्राम जो आपके लाइव पेश होता है और वहां से प्रोग्राम पेश होता है। आप भाग ले सकते हैं। अगर भी कोई बात है, कोई खास गुजारिश है, कोई फरमाइश है, कोई ऐसी बात है ना, जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए सनराइज रेडियो श्रीराम नीदरलैंड। वैसे भी नीदरलैंड में रोटरडम में है, रोटरडम में भी सनराइज रेडियो नीदरलैंड है। तो चलिए जब आप तैयार है ना तो वंस अगेन कहिए हमारे खास उस्ताद हरी कुशल तैयार है अपने टीम के साथ और वो फिर आपके लिए कुछ खास पेश करना चाहते हैं। चलिए उस्ताद हरी कुशल जी। मैंने यहाँ से प्रोग्राम का स्केच होने वाला है, आप लोग देख ही रहे कब से हम लोग सुन रहा हूँ और से लोग मांगे हैं तनि से और चटनी वाला काबरे रखे झूमता मौसम मस्त महीना चांद सी गोरी एक हसीना आँख में काजल मोह पे पसीना याला याला दिल ले गई याला याला दिल ले गई
खास लॉन्ग चटनी मेहंदी जो बस आपने सुने हैं खास कर उस्ताद हरि कुशल से, एंड वो बेशक भी आपको खास खास बातें कहिए संगीत के रूप में आपको सुनाए हैं। वैसे भी बोंगो पर भी करण भगेलु था जहाँ, एंड वो थरताल पर खास करके भी अमर उस्ताद बिसुन हीरा, ढोल पर खास करके भी था विनोद विनोद सिधु, एंड हमारा कैमरामैन जहाँ आलोक के अंदर कैमरामैन है ओम रोबिन, कलयत जहाँ कलयत है भाई फैसल जहाँ वही फैसल जो अभी जहाँ स्क्रीन में भी अपने प्रोग्राम जारी रखेंगे कुछ खास खास नामों के साथ, अभी कुछ आधे घंटे बाद कहीं फैसल के अपने प्रोग्राम लाइव पेश करेंगे स्टूडियो के जरिए से, जिसमें भी अच्छे अच्छे नामे आप लोगों को घर तक सुनाएंगे। चलो हम देखते हैं कि फिर कुछ ना कुछ बातें होते हैं। बहरहाल ये प्रोग्राम लाइव जो होते हैं जहाँ लाइव होते हैं सनराइज रेडियो लिफोर्टो के जरिए से, एंड खास करके स्पेशली आप तमाम लोग के लिए प्रोग्राम जो पेश होता है हमने जैसे आपसे बताया ना, तो खास करके हमारे उस्ताद पूती फागु सेन के खुशी में भी हम लोग ये प्रोग्राम तैयार करके रखे हैं, एंड ये भी आपके साथ जो मिलकर हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं। अगर भी आप ऐप करना चाहते हैं Sunrise FM 101 FM Suriname Livorno परिपोदन तिवारी में अपने मत सेफ नंद दर्ता पर है। वैसे भी अगर आप भी कहिए हम लोग के प्रोग्राम के हिस्से तो एक पैसा गाना प्रोग्राम होते हैं, कारोकी प्रोग्राम भी होते हैं, कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी होते हैं, अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं ना तो जरूर भी कॉन्टैक्ट कीजिए सनराइज रेडियो से श्रीमान रॉबिन से कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं तैयार हो गया है वंस अगेन हमारे उस्ताद बिसुन हीरा, एंड वो भी आपको कुछ खास सुनाने वाले हैं इस मस्ती भरा एक बार के रात में जब ठंडे ठंडे मौसम है ना, थोड़ा थोड़ा बारिश भी होते हैं और इस बारिश का मजा आप भी घर पर ले सकते हैं। चलिए हमारे उस्ताद हम देखते हैं उस्ताद तैयार हो गया है, एंड रकीब उस्ताद रकीब ढोल पर जहाँ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कुछ और चटनी हो जाए कुछ और हंगामा हो, तो जरूर एक झलक अभी रकीब का भी काबिल बना होंगे, एंड देखते हैं कि हमारे उस्ताद हर यहाँ के हमारे उस्ताद बिसुन तैयार है कुछ आपके लिए। चलिए कौन उस्ताद साथे कहूं तकदीर का लिखा बदलता ही मंदिर में डरे हो जी मंदिर में
Mr. Ustad, Bizul Hira se bhi aapne sune hai ek aaj program mein, and hum sochte hai ki ek aakhri number aur hoga, ek aakhri number aur hoga, uske baad ye program kahenge live program hum log khatam karenge. और जब हम देख रहे हैं तो खास करके हमारे खास कलाकार उस्ताद रकीब फंजई तैयार है एक आखिरी नंबर लेकर इस हसीन इस हसीन कहिए एक बार के मस्ती भरे प्रोग्राम में. ये खास करके भाई तगड़ा प्रोग्राम है एंड जिस तरह से आपको पता है ना तो क्या ये प्रोग्राम कहिए महीना में या एक महीना या दो महीने में आपके पेश होते हैं. करो कई प्रोग्राम भी होते हैं, ये तमाम प्रोग्राम जो होते रहते हैं लाइव यही स्टूडियो से. एंड अगर भी आप भाग लेना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, एक ऐसे प्रोग्राम आप साथ देना चाहते हैं तो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए सुन रॉयस रेडियो कहिए से बात रॉबिन से बात कीजिए पंडित पोते तिवारी नंबर सेतन देव पर. तो चलिए हम देखते हैं एक आखिरी नंबर हो जाते हैं आज एंड उसके बाद हम सभी प्रोग्राम बेशक खत्म करेंगे. तो चलिए उस्ताद रकीब वाहे गुजरे बस वही इज्जत के काबिल है. कोई हिंदू हो या मुस्लिम बला से जो भी हो जो उठते बैठते सोते न भूले अपने मालिक को. तकरीबन 35 बरस के बाद ये गाना फिर गा रहा है लॉन्ग प्ले पठा और फिर आज सब मर जिला के वाइस बोले जन्नत को ले साकी बोले रहमत को ले. दोनों की बातों को सुनकर फैसला छोड़ा मैंने दिल पर. दिल ने कहा ऐ शेख मस्जिद छोड़ दे ये बेकार की हैसियत. मुझसे जब पूछा जाएगा महशर में देखा जाएगा. अब है पीना मेरा तो मजहब है पीना. अब है पीना मेरा मजहब है पीना. छूटे साथ मारे जिला है भेस भी बदला. बस्ती बस्ती जंगल जंगल मंजिल मंजिल पैदल पैदल गुलशन गुलशन वीरा वीरा साहिल साहिल तूफा तूफा दर दर फटका. घर घर देखा मस्जिद देखा मंदिर देखा दरिया के थारे में देखा महलों महल तारे में देखा गुलशन के हर फूल में देखा हाथ में देखा धूल में देखा हुंचों की आवाज में देखा सोच में देखा सांस में देखा. मेरा प्यारा मेरा दिलबर आखिर पाया दिल के अंदर. जग रूठे पर यार न रूठे साथ मरे जिला के.
खुल जाए तो खाक की मुट्ठी, अश्कों से मुंह धोना कैसा, जान कोई अपनी खोना कैसा, दिल में गम का होना कैसा, रोने वाले रोना कैसा। इश्क मोहब्बत खेल नहीं है, चलती फिरती रेल नहीं है। नाजा कोई आज ना आए, बात तो जब है बात न जाए, काम बने भांडा न फूटे। हम सब आपसे फिर मिलेंगे, बहुत जल्द। हमारा राम राम, नमस्कार।